Welcome to St. Wilfrid's Law College online classes in political science. We discuss on the topic of Raja Ram Mohan Roy today, that is in module 3. Okay, so we will discuss the ideas of Raja Ram Mohan Roy. That is very important for in our political thinkers session. इनके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले वी डिवाइड द थिंकर्स इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि जो फ्रीडम फाइटर्स हुए या जो थिंकर्स रहे वो दो कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं. एक थे सोशल रिफॉर्मर्स एंड जो दूसरे रहे वो थे पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स. पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, ठीक है. और इसके अलावा हम नेशनलिस्ट भी बोल सकते हैं, जो थर्ड कैटेगरी हम बोल सकते हैं थिंकर्स की या फ्रीडम फाइटर्स की, तो वो उसमें हम ये कह सकते हैं. तो हम मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ बिकॉज जो राजा रामन रॉय को हम पढ़ते हैं तो ही वॉज एक्चुअली अ सोशल रिफॉर्मर. सोसाइटी में रिफॉर्म कैसे लाने हैं, बिकॉज ही बिलीव्ड, इनका अपना पर्सपेक्टिव था, इनका व्यू था कि जब तक सोसाइटी में जो सुपरस्टिशंस हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट नहीं की जाएगी तब तक फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें सक्सेस मिलना इट्स इम्पॉसिबल. बिकॉज अगर हम अपनी सोशल ट्रेडिशंस, हमारी सोशल जो सुपरस्टिशंस हैं, एविल ये जो कस्टम्स हैं, उन्हीं में ही अगर उलझे रह जाएंगे तो हम अपने नेशन के लिए क्या करेंगे, है ना. तो ही बिलीव्ड. और इसके अलावा हम जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनमें हम अगर किसी का और का नाम लेंगे तो हम दयानंद सरस्वती का हम सभी जानते हैं नाम. और इसके अलावा हम विवेकानंद जी को भी हम सोशल रिफॉर्मर में ही लेंगे, क्योंकि सबसे पहले दे बिलीव कि सोसाइटी के अंदर अगर हम अपने नेशन के लिए प्राउड क्रिएट करें, अपने नेशन की जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं अंदर, जो सोसाइटी के जो सुपरस्टिशंस या जो भी नैरो माइंडनेस, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट करें तो हम अपने नेशन के लिए सोच सकते हैं, ठीक है. तो ये इन्होंने सोशल रिफॉर्मर बन के कंट्री को बहुत सारा बहुत कुछ दिया, ठीक है. तो सोशल रिफॉर्मर थे बेसिकली. पॉलिटिकली इन्होंने बात की, पॉलिटिकल रिफॉर्म भी इन्होंने बताया, लेकिन बेसिकली जो अगर हम राजा रामन रॉय को बोलेंगे तो वो सोशल रिफॉर्मर्स के फॉर्म में हम उनको रिमेम्बर करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको पॉलिटिकल अवेयरनेस भी इन्होंने क्रिएट की सोसाइटी के अंदर, ठीक है. अभी थोड़ा सा हम इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन राधानगर वेस्ट बंगाल में. ये इनका बर्थ हुआ, बर्थ प्लेस इनका वेस्ट बंगाल रहा, ठीक है. 22 मई 1772 में के दिन इनका बर्थ हुआ, ठीक है. ही वॉज पॉलीग्लॉट. ओके, पॉलीग्लॉट एक्चुअली ही वॉज ए वेरी टैलेंटेड स्कॉलर जिनको बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज था, जिसमें हम बेसिकली मैं बता सकती हूँ अरेबियन, हिंदी, संस्कृत, पारसी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इनको बहुत अच्छे से आती थी, ठीक है. तो एक थोड़ा सा हम एक जब हम थिंकर्स को के बारे में बात करते हैं तो अगर इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये पॉलीग्लॉट थे, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज को जानने वाले. इनका एक खुद का इंटरेस्ट भी था कि बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में ये सीखें, तो बहुत सारा इन लैंग्वेज की नॉलेज इन्होंने ली और उनको सीखा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में भी लाए, ठीक है. इनको हम क्यों याद करते हैं, ही वॉज रिमेम्बर्ड फॉर ही वॉज एक्चुअली हर्बिंगर ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सती कस्टम. सती कस्टम दैट टाइम, जब हम 1772 के बाद वाली बात करते हैं, तो ट्रेडिशनली इंडिया में एक सती कस्टम चलता था, जो कि क्या होता था कि जो वुमेन थी वो फोर्सफुली बर्न्ड अलाइव ऑन हिज हस्बैंड्स डेथ, ठीक है. उसको ज़बरदस्ती जो वुमेन थी उसके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसको फोर्सफुली किया जाता था कि वो भी उनको भी उसी उन्हीं उस डेथ पर उनको भी अपनी जान देनी ही पड़ेगी. तो ये कस्टम था सती कस्टम, जो कि बहुत ही एक एविल कस्टम था इंडियन ट्रेडिशन में. इसको लीगली बैन करवाया, हालांकि बहुत सारे और भी थिंकर्स थे जिन्होंने इसके
अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। लेकिन अगर राजा राममोहन रॉय को हम याद करते हैं तो वो इसी वे में याद करते हैं कि ही वॉज अ हर्बिंगर ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सती, सती के लिए इन्होंने अवेयरनेस फैलाई और अल्टीमेटली इनको बहुत सारी सक्सेस भी मिली और लीगली इसको बैन करवाया। तो अभी हम इनके सोशल थॉट्स में वो चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे कि इनको वाई ही वॉज रिमेम्बर्ड इन अ सोशल सोशल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ठीक है, राइटिंग्स पे हम इनका थोड़ा देख लेते हैं बिकॉज एक्चुअली कई बार एग्जाम्स में जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं 1 or 2 marks के, उसमें हम हमारे कई बार आ जाता है कि किस कौन सी राइटिंग्स इनकी इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक्चुअली इट वॉज रिटन इन बंगला, जहाँ पे इन्होंने अपने बहुत सारे व्यूज़ को एक्सप्रेस किया संवाद कौमुदी के अंदर। ठीक है, और जो दूसरा था इनका जो इम्पोर्टेंट राइटिंग थी वो थी मिरात उल अखबार, जो कि पारसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, पारसी। ठीक है, तो ये इनके दो जो राइटिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे इनकी राइटिंग्स और भी हैं बट जो फेमस राइटिंग्स हैं इनके वो ये दो हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इनको एक बहुत इम्पॉर्टेंटली रिमेम्बर्ड किया जाता है, ब्रह्म समाज इन्होंने इस्टेब्लिश किया था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी, एक लोगों के अंदर यूनिटी लाने के लिए, उनको उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसको उसको लिए प्राउड करने के लिए। तो एक ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश किया गया था जिसमें कि बहुत सारे लोग जुड़े और एक बहुत बड़ा एक यू नो ऑर्गेनाइजेशन ये बाद में बना। जैसे हम स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज इस्टेब्लिश कर किया था उन्होंने, तो उस वे में हम उसको उनको याद करते हैं। तो उसी तरह से राजा राममोहन रॉय का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था तो वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके जो आइडियाज़ थे वो बेसिकली है ना, वी कैन डिवाइड द आइडियाज़ ऑफ राजा राममोहन रॉय इन बेसिकली टू वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल वे में उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ दिए अपने, पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड सोशल आइडियाज़। ओके, सोसाइटी के वे में उन्होंने क्या आइडिया अपने जो व्यूज़ दे वो दिए कि हाउ कैन वी क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी इन इंडिया, कि हम अपनी इंडियन सोसाइटी को किस तरह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट सोसाइटी बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा पॉलिटिकल फर्स्ट हम देख लेते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ राजा राममोहन रॉय, पॉलिटिकल आइडियाज़ में कि उन्होंने किस तरह की गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, किस तरह का उन्होंने मतलब सोसाइटी के अंदर किस तरह की लिबर्टी फ्रेटर्निटी लोगों के अंदर होनी चाहिए, इसका सपोर्ट किया। तो इसमें हम सबसे पहला अगर हम पॉइंट वाइज एक बार स्टडी कर लेते हैं हम इनकी, तो ये थोड़ी सा इंट्रोडक्शन, देन हम जो है फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो दैट इज़ इंडिविजुअल एंड नेशनल लिबर्टी। ठीक है, एक्चुअली ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल मतलब कि जो सिटीजन्स हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम फॉर देयर यू नो डेवलपमेंट, दे आर फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस है ना, दैट इज़ उनके ऊपर इम्पोज करती है गवर्नमेंट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रीडम, देखिए ही वॉज एक्चुअली सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ द मैन, जहाँ पर भी सोसाइटी में फ्रीडम दी जाएगी, ठीक है, वो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं इंडिविजुअल्स हैं दे आर एक्चुअली दे कैन दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड द सोसाइटी विल बी डेवलप इन फर्दर वेज। तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो डेवलप करानी है तो इंडिविजुअल को लिबर्टी देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अगर बहुत सारे ऑब्लिगेशन लगा दिए और अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में तो वो सोसाइटी कहीं ना कहीं इतनी डेवलप नहीं होती जितनी कि जहाँ पर फ्रीडम है। ठीक है, जैसे हम यूएसए को अगर हम सबसे जो बेस्ट एग्जांपल फ्रीडम जहाँ पर इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा है तो हम यूएसए का ले सकते हैं, तो वो कितना डेवलप कंट्री है। तो उसी तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल और नेशनल लिबर्टी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल लिबर्टी मतलब कि एक नेशन शुड बी फ्री बिकॉज एक्चुअली ये 1772 के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो इट देर वॉज अ रूल ऑफ ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के रूल में हमें किस तरह से नेशनल हमें फ्रीडम लेनी है, तो फ्रीडम स्ट्रगल भी इन्होंने बहुत किया, लेकिन उससे पहले इन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म लाए, तो नेशनल लिबर्टी का भी इन्होंने सपोर्ट किया कि एक नेशन इंडिया जो है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल और नेशनल लिबर्टी का सपोर्ट किया कि डेवलप करना है और इंडियन इंडिया को एक डेवलप सोसाइटी बनानी है, तो इंडिविजुअल और नेशनल लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, सपोर्टेड सिक्योरिटी ऑफ नेशनल राइट्स, नेचुरल राइट्स, ठीक है, राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक्चुअली राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एनी सोसाइटी, बिकॉज जो अगर राइट्स इंडिविजुअल्स को मिलते हैं चाहे वो फंडामेंटल हो या नेचुरल राइट हो, नेचुरल राइट के हमें जो नेचुरली मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर हमने बर्थ लिया है तो हमारे हम लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए फ्री हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल जिस जैसे चाहें जी सकते हैं, तो नेचुरल जो राइट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए, बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, जैसे हमें अभी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वी हैव राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, वी कैन चूज अवर रिलीजन, तो ये राइट्स जो हैं वो किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होने चाहिए, और वो भी लीगली होने चाहिए। लीगली का मीन्स ये है कि अगर कोई भी अदर पर्सन हमारे राइट्स को वायलेट्स करता है तो वी कैन गो टूवर्ड्स द कोर्ट्स और हम उनके लिए अगेंस्ट में हम उनको बोल सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने राइट्स का बहुत सपोर्ट किया कि इंडिविजुअल्स राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एनी सोसाइटी, ओके। तीसरी हम बात करते हैं, ही वॉज टोटली अगेंस्ट द लेजेस फेयर। अब ये लेजेस फेयर क्या होता है, ठीक है, लेजेस फेयर देखिए दो तरह के स्टेट्स की बात करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, एक होता है लेजेस फेयर, ठीक है, और एक होता है हमारा वेलफेयरिस्टिक। अब हम लेजेस फेयर की बात करते हैं तो एक ऐसा स्टेट जो केवल प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, कि जैसे हमारे स्टेट है वो अगर केवल उसका काम क्या है कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अदर यू नो नेशन, हमें केवल प्रोटेक्शन दे, तो उसे हम लेजेस फेयर करेंगे। और अगर वेलफेयरिस्टिक स्टेट, वेलफेयरिस्टिक स्टेट का मतलब ये होता है कि जो एक ऐसा स्टेट जो कि वेलफेयर करे, मतलब बर्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर करे, और दूसरा इंटरफेयर इस सेंस में नहीं, वेलफेयरिस्टिक सेंस में करे कि जब वो बर्थ लेता है और जब तक उसकी डेथ होती है तो उसके बहुत सारे कामों में, मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज बनाए स्टेट गवर्नमेंट, तो ये वेलफेयरिस्टिक स्टेट के सपोर्ट में थे। इन्होंने ये बोला कि लेजेस फेयर स्टेट नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा स्टेट होना चाहिए जो कि सिटीजन्स की नॉर्मल लाइफ जो है उसमें उससे भी वो उसमें भी जो है सपोर्ट करे, उनको बहुत सारी पॉलिसीज उनके लिए बनाए, ठीक है। तो ये लेजेस फेयर के कम्प्लीटली अगेंस्ट में थे, ठीक है। दूसरा सपोर्ट द वेलफेयरिस्टिक स्टेट, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वेलफेयरिस्टिक स्टेट में ये भी चीज़ बोली है कि देखो एक ह्यूमन लाइफ के जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, तो उन सभी में इंटरफेयर करे, लेकिन उस सेंस में करे कि सोशल भी डेवलपमेंट हो एक इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल का होगा तो सोसाइटी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, अर्न भी करे मनी, इकोनॉमिकली भी स्टेबल बने, एंड मॉरल इम्प्रूवमेंट भी हो, कि मॉरली भी इस तरह से सिस्टम बनाए जाए कि एक जो इंडिविजुअल है कैन नॉट बी यू नो मेक द हार्म टू द अदर इंडिविजुअल, तो मॉरल वैल्यूज भी कुछ दी जाए, तो इस तरह का एक कंप्लीट वी कैन से कि वेलफेयरिस्टिक स्टेट बनाए, ठीक है। दूसरा इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एंड फ्रेटरनिटी, तो उन्होंने तीन चीज़ों का जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ही सपोर्टेड द इक्वलिटी, ठीक है, फ्रीडम एंड फ्रेटरनिटी, ठीक है। सोसाइटी में पॉलिटिकल अगर इंडिपेंडेंट लानी है, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनानी है सोसाइटी, तो इक्वलिटी लानी होगी सोसाइटी में। इक्वलिटी मींस कि इन्फीरियर एंड सुपीरियर का जो कॉम्प्लेक्स है दैट शुड बी स्टॉप,
ठीक है, कास्ट वाइज आ जाता है, क्लास वाइज आ जाता है, इन्फीरियर सुपीरियर का, तो वो सब चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए. ऑल शुड बी इक्वल इन द सोसाइटी, अपार्थेड वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक है नहीं होनी चाहिए. देन फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मैन हम भी अभी बात कर चुके हैं, इंडिविजुअल और फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स कि ब्रदरहुड, वी कैन से कि एक इंसान जो है एज ए ह्यूमन बींग दूसरे इंसान को हेल्प करे, ठीक है, तो फ्रेटर्निटी शुड बी देयर. तो ये इक्वलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बेस होनी चाहिए किसी भी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, तो वो बहुत ज़रूरी है. ये इन तीनों को, जैसे हमारे प्रियम्बल में भी हम देखते हैं कि प्रियम्बल में इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ अवर प्रियम्बल, अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स को भी इन्होंने सपोर्ट किया कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट टाइम तो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स इंडियंस दैट दे आर मस्ट, ठीक है. और दूसरा इन्होंने ये भी बोला, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, ही वॉज नॉट सपोर्ट इन द डेस्पोटिक पावर ऑफ गवर्नमेंट, अननेसेसरी. डेस्पोटिक का मतलब ये होता है कि जो हम बोलते हैं ना डिक्टेटरशिप, वी कैन से कि डेस्पोटिज्म नहीं होना चाहिए स्टेट का, कि मनमानी जो उनकी स्टेट की जो पावर्स हैं उनको यूज़ ना करे, डेस्पोटिक पावर नहीं करे, बल्कि मतलब इस तरह की पावर्स यूज़ करे कि जो इंडिविजुअल्स है कैन दे कैन डेवलप इन द सोसाइटी, ठीक है. तो डेस्पोटिक पावर अननेसेसरी, जो डिक्टेटरशिप जैसी पावर्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की. अननेसेसरी के टैक्सेस नहीं होने चाहिए, अननेसेसरी के एब्लिगेशंस नहीं होने चाहिए, तो डेस्पोटिक पावर शुड नॉट बी देयर, ठीक है. तो ये हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का इन्होंने जो है कुछ अपने आइडियाज दिए पॉलिटिकल में, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको. ये हमारा हो गया लिबर्टी को इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि इंडिविजुअल एंड नेशनल लिबर्टी को सपोर्ट किया राजा राममोहन रॉय ने, किस किस वे में वो हमने देख लिया. अब नेक्स्ट जो पॉलिटिकल में ही जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है. नो डाउन इट, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए. प्रेस की फ्रीडम मींस कि टू क्रिएट वाई यू नो प्रेस इन द सेंस कि जो इलेक्ट्रो हमारा प्रिंट मीडिया है दैट शुड बी फ्री, ठीक है. क्यों होना चाहिए, वाई शुड इट शुड बी फ्री, बिकॉज इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज. देखिए, अगर किसी भी कंट्री में, दैट टाइम सिचुएशन अलग थी, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत ही कम डेवलप था ही नहीं एक तरह से, तो प्रेस ही एक ऐसा मीडियम थी, है ना. प्रेस यानी जो हमारा जो प्रिंट मीडिया है, दैट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी. तो इसी को ही डेवलप करना, तो इन्होंने सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि प्रेस फ्री होनी चाहिए. मतलब जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट कौन सी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसका इन्फ्लुएंस फ्री होना चाहिए. अगर कोई इंडियन, इफ एनी इंडियन वांट्स टू गिव देयर एक्सप्रेशंस, देयर व्यूज इन द न्यूज़पेपर, तो ही और शी कैन डू दैट, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की जो सही नहीं है उनको क्रिटिसाइज करने का मौका मिलता है बाय द प्रेस, तो प्रेस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी यू नो इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री होनी चाहिए, ठीक है. न्यूज़पेपर हो गया, रेडियोज है, ये जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला कि अगर इंडियन सोसाइटी को डेवलप करना है, आगे अवेयरनेस करनी है और फ्रीडम में हमें सक्सेस लेनी है, तो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट फ्रीडम ऑफ प्रेस. ओके, देन उन्होंने आगे, ये पॉलिटिकल में ही है, हमारे पॉलिटिकल व्यूज में ही आगे हम बात कर रहे हैं, ठीक है. जुडिशियल रिफॉर्म्स भी इन्होंने बोला कि जो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो न्याय जो सिस्टम है, उसके अंदर भी एक बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने बताए, ठीक है. तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि इजी एंड स्पीडी जस्टिस मेड अवेलेबल टू ऑल पीपल, कि इजी जस्टिस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्टिस मिलने में बहुत सारा टाइम लग जाए, और उसका वे जो है वो लिटिल बिट इजी होना चाहिए, सो दैट कि एवरी इंडिविजुअल कैन गेट द प्रॉपर जस्टिस, है ना. अगर उसके साथ कुछ इम्प्रॉपर हुआ है या उसके साथ कुछ ऐसा सही नहीं हुआ है, तो वो कहीं पर भी जाकर जस्टिस के लिए अप्लाई कर सके. तो इजी एंड स्पीडी
मतलब बहुत क्विकली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग जस्टिस मिले, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियल रिफॉर्म में जूरी सिस्टम का भी इन्होंने सपोर्ट किया, जूरी सिस्टम होगी तो जुडिशियल रिफॉर्म करना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो इंडियन जुडिशरी तो थी नहीं उस समय, जो भी था ब्रिटिशर्स का, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स को भी उन्होंने रिकमेंडेड किया कि ये दैट शुड बी देयर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम जो है दैट शुड बी रिफॉर्म। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज पॉलिटिक्स एंड अदर इज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे जो हम जिनको इलेक्ट करके भेजते हैं वो आते हैं, और दैट टाइम यू नो द गवर्नमेंट वॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश जो रूलर्स थे वो हमें गवर्न कर रहे थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, जो यू नो जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, वो भी जो ब्रिटिशर्स का ही था ज़्यादातर, तो उसके अंदर जो है उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस शुड बी देयर, मैक्सिमम जो है इंडियंस आने चाहिए क्योंकि इंडिया को चला रहे हैं हम। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस शुड बी देयर, दैट शुड बी एंश्योर्ड कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आए हैं क्या। और उन्होंने एज भी डिस्क्राइब की कि 22 इयर्स जो हैं वो एक फिक्स एज होनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी इंडियन जो है वो इजीली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सके। ठीक है, और रेवेन्यू की बात करें तो उन्होंने यही बोला कि जो उस समय लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, ठीक है, गवर्नमेंट शुड रेड्यूस लैंड रेवेन्यू, क्योंकि इंडियंस की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बहुत सारा रेवेन्यू दे सकें, तो लैंड रेवेन्यू शुड बी रिड्यूस्ड फॉर इंडियंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स बताए, इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस शुड बी देयर, ठीक है, और लैंड रेवेन्यू कम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ में ही बात कर रहे हैं हम अभी, कि ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी शुड बी देयर। ह्यूमनिज्म, देखिए एक ये हमारे थिंकर्स कुछ इस तरह से रहे जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया। ठीक है, एक्चुअली ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ द वेलफेयरिस्टिक ऑफ द सोसाइटी, खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था इन थिंकर्स के लिए, रिफॉर्मर्स के लिए, इन सोसाइटी का इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने यही बोला कि ह्यूमनिज्म, हमारी एक मानवता होती है, एक ह्यूमनिस्टिक जो हमारा एटीट्यूड होता है वो एक यू नो जो इंडिविजुअल है दैट शुड बी ऑलवेज सपोर्ट इन द अदर इंडिविजुअल, एंड कॉपरेशन शुड बी देयर इन द सोसाइटीज मेंबर्स। ठीक है, हाँ, ये ना सोचे कि अदर कास्ट का है, अदर ग्रुप का है, बट अगर हेल्प चाहिए तो कॉपरेशन करें एक दूसरे का, तो ह्यूमनिज्म शुड बी देवर देयर। मानव हैं हम, अगर इंसान हैं तो एक इंसानियत और एक मानवता के नाते ही हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो ऐसा एटीट्यूड रखना है वो राजा रामन रॉय का बिलीव था, पॉलिटिकल वे में भी, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल लीडर्स ओके ब्रिटिशर्स उन्होंने भी, उनको भी कई बार ये बताने की कोशिश की कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, इंडियंस ऑल्सो ह्यूमन बींग, एंड हमें उस तरह का एटीट्यूड दिया जाए जिससे कि ह्यूमनिज्म का एक एटीट्यूड क्रिएट हो सोसाइटी में। ठीक है, और यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी वही मैंने आपको बताया कि एक इंसान जो है एक ब्रदरहुड का नेचर लेके चले और जो है हर एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, नो नैरोनेस होनी चाहिए, कोई किसी तरह का नैरो माइंडनेस नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे ग्रुप का नहीं है, हमारी कास्ट का नहीं है तो हम उसे हेल्प नहीं करें, तो नो नैरोनेस शुड बी देयर अगर ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी की हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब सोसाइटी बेस्ड ऑन लव एंड कंपैशन, ठीक है, लव पर बेस होनी चाहिए, वन इंडिविजुअल शुड रेस्पेक्ट द अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑल ह्यूमैनिटी कंसिडर्ड एज वन फैमिली, पूरी की पूरी जो एक यूनिवर्स है वो एक एज ए होल फैमिली, जैसे हमारा इंडिया में अक्सर हम सुनते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मतलब पूरी जो यूनिवर्स है, धरती है, ठीक है, और कुटुंबकम मतलब कि कुटुंब मतलब फैमिली, तो पूरी जो धरती है, पूरी जो यू नो सोसाइटी है वो एक एक फैमिली कंसिडर्ड हो, तो फैमिली होगी तो हेल्प वाली नेचर आ जाएगी। ठीक है, तो वो सोच के करें। ठीक है,
और रिलीजन जो होते हैं, रिलीजन भी जो है वो बेस होने चाहिए एक ब्रॉड माइंडनेस पर. अदरवाइज क्या होता है, जैसे हम रिलीजन्स की बात करते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ठीक है, सिख हो गए, तो ये कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता है कि हमें एक दूसरे से को अपोज करना है, लड़ना है. ऑल रिलीजन्स हैव द सेम वैल्यूज, है ना. तो उनसे ऊपर उठकर जो है वो हम एक इंडिविजुअल को सोचना चाहिए कि जो रिलीजन हमें सिखाता है ब्रॉड सेंस में होने को क्रिएट करना है, रिलीजन को नैरोड सेंस में नहीं करना कि हमें सिर्फ हिंदू, अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू ही रिलीजन को रेस्पेक्ट करना है, ऐसा ये बहुत नैरो माइंडनेस हो जाती है. ऑल रिलीजन्स आर सेम, है ना, द वैल्यूज आर सेम, तो हमें सारे रिलीजन जो है वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन. तो अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में बात करें तो उन्होंने ये सारी जो बातें बताई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और पॉलिटिकल वे में इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए वो भी इन्होंने डिटेल में बताया, ठीक है. तो एक तो लिबर्टी वाली बात हो गई कि लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी वेरी इंपॉर्टेंट इट वॉज, कि जब हम कॉलोनी थे तो लिबर्टी कैसे लेंगे, जब हम उसका एटीट्यूड रखेंगे, ठीक है, तो लिबर्टी हो जाएगी. प्रेस का फ्रीडम इन्होंने बोला, ठीक है, प्रेस शुड बी फ्री. देन जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म की इन्होंने डिमांड की. थर्डली, फोर्थ, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म की बात करी. और लास्ट इन्होंने यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी को भी सपोर्ट किया, ठीक है. तो ये कुछ पॉलिटिकल व्यूज हो गए राजा राममोहन रॉय के. तो पॉलिटिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब एक बार हम उनके सोशल आइडियाज पर ही भी एक बार एम्फेसाइज करते हैं. तो सोशल आइडियाज क्या थे, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल भी फर्स्टली बता दिया था कि सोशल रिफॉर्मर ही इनको माना जाता है. तो सोशल आइडियाज में सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो एरेडिकेशन ऑफ एविल कस्टम्स, जो इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, एविल कस्टम्स थे, इवन ट्रेडिशंस थे, उनको एरेडिकेट करना है, इनको रिमूव करना है. कौन कौन से कस्टम्स थे, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चलता था वो आप सती का इन्होंने बैन करवाया, ठीक है, बहुत ही एविल कस्टम था. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती अगर इस तरह से, क्योंकि पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और डेथ रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके पीछे उसकी वाइफ को भी फोर्सफुली कहा गया उसके फ्यूनरल पर ही, ठीक है, बर्न किया गया. तो ये बहुत ही सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हुआ, सती को बैन कराया. फिर पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा सिस्टम जो था कि वुमेन शुड यू नो यूज द पर्दा, वी कैन से कि उनको घूंघट वाली जो प्रथा थी वो रखनी है, तो वो भी सही नहीं थी, इससे वो लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती थी, ठीक है. इसके अलावा था चाइल्ड मैरिज, ठीक है, बहुत बचपन में ही शादियां हो जाती थी अगर वो, तो उनका भी अगेंस्ट में ये भी एविल कस्टम था, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी शादियां हो जाती हैं तो फिर देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सोसाइटी में. इसके अलावा विडो मैरिज एक अगेंस्ट में बोला जाता था, विडो मैरिज को जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, अगर कोई लड़की बहुत ही अर्ली एज में विडो हो जाती है तो उसकी जो मैरिज थी वो नहीं की जाती थी, जिससे कि उसकी पूरी लाइफ जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से नहीं स्पेंड कर पा रही थी, तो विडो रीमैरिज भी स्टॉप थी. तो ये सारे जो थे वो इविल कस्टम्स थे जो वो रिमूव करना चाहते थे सोसाइटी से, ठीक है. तो एविल कस्टम्स को रिड्यूस करना, उनको रेडिकेट करना सोसाइटी से, ये इनका सोशल आइडिया में फर्स्ट जो हम आइडिया बोलेंगे वो था. देन इन्होंने बहुत बड़ा काम किया अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, बिकॉज कास्ट सिस्टम क्रिएट्स इन्फीरियर एंड सुपीरियर कॉम्प्लेक्स इन द सोसाइटी, सो मैनी डिफरेंसेस इन द सोसाइटी दैट शुड नॉट बी प्रॉपर यू नो दैट शुड नॉट बी यू नो बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. तो वो कास्ट सिस्टम जो है ये रिमूव होना चाहिए, अगेंस्ट इसका बोला उन्होंने कि कास्ट सिस्टम कभी भी सोसाइटी को डेवलप नहीं करने देगा. हम ये मानते हैं कि जो एंशियंट टाइम से जो अपने चार कास्ट की बात करी, ठीक है, वर्णास की बात करी, ब्रह्मा
ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इसके अलावा कास्ट की बात करी, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से डिफरेंसेस सोसाइटी में होंगे तो सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट इन्होंने अपोजिशन ऑफ सती, ये हमने बात कर ली, इनको याद ही इसलिए किया जाता है कि ही वॉज एक्चुअली अपोजिशन इन द सती कस्टम, ठीक है। क्या होता था, वुमेन वर बर्नड अलाइव ऑन हिज हस्बैंड फ्यूनरल, ठीक है। लेकिन हिज एफर्ट्स अल्टीमेटली सक्सीडेड इन द एनेक्टमेंट ऑफ लॉ प्रोहिबिटेटिंग द सती, आखिर उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, बहुत बड़ी सक्सेस मिली कि उन्होंने जो रिवोल्यूशन क्रिएट किया, तो फिर वो ब्रिटिश रूलर्स थे, उनको सती को लीगली बैन करना पड़ा, एक लॉ बनाया गया, एनेक्टमेंट ऑफ द लॉ किया गया, लॉ बनाया गया कि अगर कोई सती को कस्टम को यूज करता है कोई भी फैमिली, तो उसके लिए एक लीगल जो है किया जा, लीगली उसको बैन किया, और लीगली उसके लिए कुछ पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। तो उन्होंने इस सती को जो कस्टम था इसको बैन करवाया, तो इसलिए इनको सबसे ज्यादा रिमेम्बर किया जाता है, ठीक है। देन आगे इन्होंने सोशल रिफॉर्म में क्या बोला, सोशल आइडियाज में इन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ वुमेन, फ्रीडम ऑफ वुमेन, वुमेन शुड बी फ्री। हाफ ऑफ द सोसाइटी है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं वुमेन, तो उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो किस किस चीज की फ्रीडम मिलनी चाहिए, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन है, दैट शुड बी देयर, है ना, विद द वुमेन, वो उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेट होंगी तभी वो, एक वुमेन अगर एजुकेटेड है तो वो अपनी फैमिली के, अपने जो उसके जो यू नो बच्चे हैं या उसके हस्बैंड है, उसको एक बहुत अच्छी वे में वो ट्रीट कर सकती है। तो एक वुमेन का एजुकेट होना सोसाइटी में एक सोसाइटी को डेवलप बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ मैन में इक्वल राइट की बात करी, इक्वल राइट्स, है ना, विद द मैन, और एजुकेशन, एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो वुमेन के पास होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, इन्होंने क्या सोशल लाइफ में अपोजिशन ऑफ कंजर्वेशन एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है। इन्होंने कंजर्वेशन, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी की जो थॉट होती है उसको अगेंस्ट बोला, और नैरो माइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बातों पे या कास्ट के मामले में अगर हम नैरो माइंडनेस रखेंगे, रिलीजियस के मामले कि हमारा जो रिलीजन है वो बेस्ट है और दूसरे का नहीं है, तो इस तरह का नैरो माइंडनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ओपन माइंड सोसाइटी शुड बी देयर, तो ओपन माइंडनेस से होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव जो थिंकिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा नैरो सोच होती है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में, तो वो अपने ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। तो हमने बात करी, ये सोशल आइडियाज हो गए राजा राममोहन रॉय के, और इसके अलावा हम उन्हें, हम ये भी, ही वॉज रिमेम्बर्ड फॉर द मॉडर्न आइडियोलॉजी, उन्हें बोला जाता है कि मॉडर्न आइडियोलॉजी इंडिया में डेवलप की उन्होंने, इस्टेब्लिश की, उन्हें इसका हर्बिंगर भी माना जाता है, ठीक है। और वेलफेयरिस्टिक स्टेट जो है उसके, उसका सपोर्ट भी इन्होंने किया, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया राजा राममोहन रॉय के बेसिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट्स थे, पॉलिटिकल एंड सोशल उनके जो आइडियाज़ रहे, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड वी विल डिस्कस द इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेंट विल्फ्रिड कॉलेज ऑफ लॉ, सेक्टर 10, मीरा मार्ग, मध्यम मार्ग, जयपुर, राजस्थान।